तो जय श्री राम मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूँ एक और न्यू व्लॉग में। आप लोग को अभी मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही सुंदर देवी जी के दर्शन कराने और एक बहुत ही सुंदर पंडाल के दर्शन कराने। तो आइए अंदर की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर ये देवी जी का पंडाल है। अंदर की तरफ आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा सजाया गया, बहुत सुंदर सजाया गया। सबसे पहले आप लोग को मैं देवी जी के दर्शन कराता हूँ, उसके बाद फिर बताऊँगा कि ये पंडाल कहाँ पर है। नीली साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है, पांच सिंहों के ऊपर सवार है। और यहाँ पर समिति मेंबर्स भी इनसे पूछते हैं अगर कोई श्रद्धालु आके दर्शन करना चाहता है तो वो कैसे पहुँचेगा यहाँ तक। शिवनगर गली नंबर 2 रेलवे क्रॉसिंग वाला। अच्छा, ये एड्रेस हो गया। आप लोग कब से देवी जी रख रहे हैं? 37 साल हो गए। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर देवी जी रखे। पिछले साल आप लोगों ने क्या रखा था? ब्लैक कलर की मूर्ति रखी थी। पांच सिंहों के ऊपर सवार माता जी रखने का आइडिया कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक भैया। जय माता दी भैया। करिए बेलबाग तिराहे की महाकाली जी के, जो कि बहुत ही रौद्र रूप में है। और आप लोग देख सकते हैं इस तरफ बहुत सुंदर है। ये दोनों हाथों में एक एक राक्षस का शीश लिया है माता जी ने। ये भी माता जी के एक अद्भुत स्वरूप के, जिनकी माता जी की आप लोग आंखें देखेंगे तो एकदम बाहर की तरफ रहती है। और आप लोग देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आप लोग। भाई बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। हेलो हेलो हेलो, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो अभी हमें गुलौआ चौक यहाँ पे बना है भाई डिज्नी लैंड, जो कि बहुत गजब है। देखो मिक्की माउस वगैरह, ये इतना बड़ा बना है, बहुत बड़ी झांकी है ये। आइए दर्शन करवाते हैं देवी माता जी के, जो कि बहुत खूबसूरत है और बहुत अनोखी भी है। आप लोग ऐसी माता जी नहीं देखे होगी अभी तक। थोड़े से आगे आप लोगों को दर्शन हो जाएंगे इन माता जी के, जो कि बहुत सुंदर है यार। आज जरूर आके दर्शन करिएगा एक बार। झांकी को देखिए, शुक्ला नगर में बनाई गई है, कितनी विशाल है। आइए आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं। तो इस झांकी में एंटर करने के लिए आपको दो रास्ते मिलेंगे। पहला रास्ता इधर से, दूसरा रास्ता अपोजिट साइड से। और दूसरी बात यह है कि इस झांकी में आप लोग को एक चौक लगने वाला है। मतलब नॉर्मली इतनी बड़ी झांकी दुर्गा जी की होती है, लेकिन मैंने पहली बार देखा है इतनी बड़ी झांकी। आइए काली जी की दर्शन करिए, काली जी के। अभी यहाँ पे डेकोरेशन का काम बाकी है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कितनी सुंदर ये पंडाल लग रहा है और कितनी सुंदर माता जी लग रही हैं। जय माता दी। दर्शन करिए शक्तिनगर की मन्नत वाली दुर्गा जी की, जो कि बहुत सुंदर प्रतिमा है। और जो झांकी है वो भी काफी विशाल बनाई गई है। और पास से जूम करके दर्शन कराते हैं। और अभी देख सकते हैं देवी जी को भी। अभी मजा नहीं आया? थोड़ा सा और जोर से। अरे सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी, जोर से। अरे हो माता रानी, अरे हो माता रानी, सच्ची है तू। ये शक्तिनगर में रखी हुई एक और माँ दुर्गा जी की प्रतिमा की, जो कि बहुत सुंदर है। और ये बंगाली पैटर्न में रखी गई है, तो और गजब की लग रही है यार। बट ध्यान से देखिए भाई, क्या सुंदरता है इस प्रतिमा की। राधा कृष्ण जी भी साथ में माता जी की, और देख सकते हैं बहुत प्यारी प्रतिमा है। जय माता जी। 1 बजे माता जी की आरती चल रही है। तो अभी हमें चौथा पुल के पास, और यहाँ पर रखी है ये देवी जी की एकदम सुंदर सी प्रतिमा, बिल्कुल व्हाइट कलर की। और अंदर की तरफ थीम देखो भाई, क्या ही थीम बनाई यार, बहुत सुंदर लग रहा है ये। यहाँ पे आप लोग आके दर्शन कर सकते हैं ये चौथा पुल। और अभी इस टाइम पे देखिए दर्शन कर रहे हैं लोग, और टाइम हो रहा है लगभग 2:30। जय माता दी। आपको ये वाली प्रतिमा देखने मिलेगी, अभी तो इनका फेस ढका हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर है यार।